नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार राजौरिया, मैं डिवाइन म्यूजिक स्कूल से, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलंकार्स के बारे में। बेसिकली अलंकार्स हमारे होते क्या हैं? ये एक सुरों का समूह होता है, हम जिसे किसी भी पैटर्न में, चाहे सारेगा या रेगामा या मगरेसा, आप आरओ अवरोह किसी भी तरह से आप किसी भी पैटर्न को आप ट्राई कर सकते हैं, तो वो क्या करता है, आपको एक तरह की मेलोडी देता है। ठीक, किसी भी गाने को कंपोज करने के लिए, या आप जो भी आप बॉलीवुड या कहीं भी वर्ल्ड वाइड म्यूजिक सुन रहे हैं, वो किसी ना किसी अलंकार के वे में भी एक तरह से आप गा सकते हैं उसको। ठीक, तो हम बस आज एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, जो इसका रियाज कहलाता है, वो रहेगा मेरा सी शार्प में, एंड आप लोग मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए। सारे रे गा रे रे गा मा गा रे गा गा मा गा गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा पा पा धा पा धा नी धा पा धा नी सा नी धा नी के बाद हम इसका लेंगे अवरोह। सा नी धा नी सा नी नी धा नी नी धा पा धा नी धा पा मा पा धा पा मा गा मा पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सा रे गा रे रे सा रे सा नी सा रे सा नी धा नी सा का दूसरा अलंकार लेंगे। सारे सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी सारे सा सानी सानी धनी धा पधा
पा म प म ग म ग रे ग रे सा रे सा नि सा आ इसी क्रम में एक और अगला अलंकार सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी पा धा नी सा फिर इसी क्रम में हम इसका अवरोह लेंगे सा नि धा पा मा धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे मा गा रे सा तो दोस्तों आज हमने एक छोटा सा सेशन लिया अलंकार्स के लिए। अलंकार में यही नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अलंकार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसी में आप अपने खुद के पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अपने आने वाले वीडियोस में आपको कुछ और पैटर्न्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और उसी वे में आप प्रैक्टिस करेंगे। और आपको करना ये है कि आपको डेली वे में आपको रियाज में कोई कमी नहीं छोड़नी है। ओके गाइस, तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बाकी आपसे आने वाली वीडियोस में मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।